तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग रैंक पुशिंग, कमेंट करके ज़रूर बता देना। फिलहाल देखो ये वाला आईडी का ना जो रैंक पुश मतलब रैंक है ना, मैंने 300 के अंदर रैंक छोड़ दिया है, मतलब 350 से कितना बीच में है, तो कितना रैंक है आप लोग खुद देख लेना एंड में जाके। तो फिलहाल देखो आज के वीडियो में बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है क्या हर एक मैच में मतलब हर एक मैच में क्या टॉप 10 करना पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है तो क्या करना होगा, पॉसिबल नहीं है तो क्या करना होगा, सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। पर उससे पहले यहाँ पे सीन देखो, फिलहाल यहाँ पे क्या सीन था कि मैं इवेंट में ना 0 किल के साथ फिनिश हो जाता हूँ, इसलिए क्या है ना रिकॉल होने के बाद गाड़ी उठाता हूँ और गाड़ी उठाने के बाद सीधा निकलते जोन के बाहर और जाते जाते यहाँ पे बैक टू बैक मेरे को 2 फिनिशेस मिल जाता, एक बॉट का फिनिशेस था एक रियल बंदा था। तो आराम से 2 फिनिश निकालने के बाद यहाँ पे जोन के बाहर आता हूँ तो यहाँ पे भी एक बॉट भैया जी स्पॉट हो जाते हैं। ए वाले बॉट को फिनिश करने के बाद ना अच्छा खासा यहाँ पे 3 किल हो गया था, उसके बाद जोन पूरा सर्वाइव करता हूँ, जोन के बाहर छोटा छोटा जितना भी कंपाउंड रहता है ना सारे कंपाउंड इजीली आराम से लूट लेता हूँ और लूटने के बाद ना मैं निकलता हूँ जोन के लिए, क्योंकि जोन के अंदर अब चलना तो पड़ेगा क्योंकि जोन काफ़ी ज़्यादा छोटा बन चुका था और इस वाले जोन के बाद जो जोन बनने वाला था उसमें तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते, इसलिए मैं सोचता हूँ जोन के बाहर निकल के एक अच्छा खासा पोजिशन ढूंढते। तो फिलहाल यहाँ पे ए वाला शैक ना थोड़ा सा खाली दिखता है, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आसपास घूम कर देख लेता हूँ कोई बंदा है कि नहीं, क्योंकि शैक पे बंदा जो है ना गाड़ी वगैरह नहीं रहता, फिर भी यहाँ पे बंदा कैम करके बैठे रहते, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि भाई बहुत सारे मतलब बहुत बार ना मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अब देखो यहाँ पहले ये वाले जो शैक है ना इस शैक पे आके बैठ जाता हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर ही रहा था, उतने में आता है मेरे पे एक बग्गी का रश और यहाँ पे सीन देखो कैसे भाई के साथ फाइट निकालते हैं। तो फिलहाल इस वाले भाई को बहुत ही इजीली फिनिश कर देता हूँ और अच्छा खासा यहाँ पे 4 किल हो गया था और मैं हमेशा किल्स के पीछे नहीं भागता हूँ, मेरे को चाहिए था अच्छा खासा पोजीशन, अच्छा सर्वाइव निकालना, समझ रहे हो ना, इस चीज़ के पीछे मैं भागता हूँ, इसलिए मेरे को हर एक मैच में ना कम से कम टॉप 10 होने का मैं मतलब जो है ना 90% चांस रहता है। तो अब देखो यहाँ पे सीन क्या था कि यहाँ पे चुपचाप मैं होल्ड कर ही रहा था और पीछे साइड से मेरे को फायरिंग का साउंड सुनाई देता है, तो अब देखो इस वाले भाई को कैसे मैं फिनिश करता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे देखो लेट के इजी स्प्रे देते हैं और भाई को आराम से अच्छा खासा यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे बैठे बैठे एक जगह ना आराम से 2 किल मिल जाता है तो टोटल हो जाता है यहाँ पे 5 किल। अब देखो मेरे को थोड़ा सा सर्वाइव कर ही रहा था, उतने में यहाँ पे पीछे साइड से और एक साउंड आता है फाइटिंग का। तो फिलहाल यहाँ पर भी मैं एक अच्छा मौका ढूंढ रहा था कि जब मैं बंदा यहाँ पे ओपन में आएगा या ऐसा कुछ गलती करेगा तब जाके फिनिश करूँगा, और रोबोट वाला जो बंदा रहता है ना वो ऐसा ही करता है कि रोबोट से जंप करके भाई को मतलब जो है ना स्प्रे वगैरह देने की ट्राई करते, तो भाई को ईजी यहाँ पर आराम से फिनिश कर देते और शायद वो वाला जो जिस भाई को डैमेज दे रहा था वो शायद फिनिश हो गया था, पर कोई नहीं मेरे को तो भाई 1 किल मिला वो काफ़ी है मेरे लिए, भाई 6 किल ईजी हो जाता है। अब देखो काफ़ी देर तक वेट करने के बाद ना मेरे को यहाँ पर ही एक बग्गी में जो है ना मतलब क्या बोलते हैं उसको टीम अप वगैरह जा रहा था तो उसको आराम से फिनिश कर देते एक बंदे को, दूसरे बंदे को एक चिप हेड चिपकाया था, एक दो बॉडी भी फिनिश लगा था, पर भाई बहुत ही बैड लगता बंदा यहाँ पे बच जाता है, पर एक बंदे को ईजी फिनिश कर देते अच्छा खासा यहाँ पर 7 किल हो गया था। अब देखो मेरे को निकलना था जोन के लिए क्योंकि जोन इधर से हट गया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद ना यहाँ पर मैं निकलता हूँ जोन के लिए और तभी यहाँ पर सीन देखना मेरे साथ क्या होता है। तो यहाँ पे देखो मैं गाड़ी में बैठ ही रहा था तभी एक बंदे ने मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे डैमेज दिया था और यहाँ पे मेरे को चाहिए था पोजीशन जोन के लिए, तो जोन के अंदर आके ना मैं अपना पोजीशन ढूंढ रहा था तभी यहाँ पे वो वाला बंदा भी स्पॉट हो जाता है जिसने मेरे को डैमेज दिया था।
तो और क्या सीन था भाई को इजी यहाँ पे फिनिश कर देते। और अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलती करता हूँ कि ओपन में जाके ना मतलब गाड़ी यहाँ पे रोकता हूँ, मेरे को चाहिए था पत्थर का पोजीशन था, मतलब गलती यहाँ पे करता हूँ कि गाड़ी उधर रोक के ना ओपन में यहाँ पे लूटने लग जाता हूँ। और क्या सीन था कोई ना कोई बंदा मेरे पे स्प्रे लेगा और ऐसा ही सीन होता है। और ए वाला बंदा कैसे मेरे को स्प्रे दिया भाई मेरे को खुद भी पता नहीं चला, मतलब मैं लेटा हुआ था, इतना जल्दी कौन फिनिश कर सकता है। पर बंदे ने जिस लेवल का फिनिश किया ना बंदा थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लगा। और इसका जब केडी वगैरह देखता हूँ ना थोड़ा सा और भी गड़बड़ मतलब मेरे को तो लगा, पर पता नहीं क्या सीन था, रियल था या फेक था मेरे को नहीं पता। पर मैंने रिपोर्ट कर दिया बंदा कुछ गड़बड़ होगा तो बैन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अच्छा खासा मेरे को मतलब 19 का प्लस मिल चुका था। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं सेकेंड वाले गेम प्ले में, जो गेम प्ले भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे सीन देखो, एंट्री होता है इवेंट पे, तो फिलहाल यहाँ पे उतरने के साथ साथ मेरे को M249 मिल जाता है, उसी से मैं दो बंदे को इजी यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। और अच्छा खासा उतरने के ही साथ साथ ना दो किल हो गया था। अब मेरे को थोड़ा सा और सर्वाइव करना है, मेरा हीलिंग भी डाउन है, मेरे पास हेलमेट वेस्ट कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा लूटेंगे और लूटने के बाद जाके थोड़ा फाइट वगैरह लेंगे। तो आराम से यहाँ पे लूट वगैरह कंप्लीट करने के बाद ना यहाँ पे नीचे और एक बंदा आ जाता है। तो मैं सोचता हूँ इस बंदे को कैसे फिनिश किया जाए, मैं सोच ही रहा था और तभी मैं इस साइड में आता और यहाँ पे आते ही ना मेरे को बंदा भी स्पॉट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे सीन, तो इस वाले भाई को भी आराम से यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, अच्छा खासा हो जाता है 3 किल। अब देखो मैं यहाँ पे भाई का पेटी वगैरह लूट के ना मैं ऊपर आके सर्वाइव कर रहा था और आसपास से काफ़ी ज़्यादा बॉट का साउंड भी आ रहा था, पर मेरे को एक भी फिनिशर्स नहीं मिलता। क्योंकि क्या सीन था, ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था इवेंट के, जो भाई अपने आप ही जो क्या कर रहा था, बंदे को जो बॉट वगैरह स्पॉट हो रहा था उसको फिनिश कर रहा था। तो मैं उस वाले बंदे को फिनिश करने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ। पर ऊपर आने के बाद ना बंदा तो यहाँ पे मेरे को कुछ खास स्पॉट नहीं होता, पर यहाँ पे ऊपर आते ही ना सामने से जो दो बंदे थे ना वो आपस में फाइट कर रहा था और एक बंदा दूसरे बंदे को फिनिश भी कर देता है शॉटगन से। तो मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा मौका ढूंढ के ना सीधा निकलता हूँ सामने की तरफ। फिर यहाँ पे थोड़ा सा सामने जाते ना बंदा तो कुछ खास स्पॉट नहीं होता, मतलब बंदा नीचे भाग गया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे जो है ना बॉट का साउंड आ रहा था तो उसको चेक करता हूँ, तो बॉट भी यहाँ पे एक स्पॉट हो जाते हैं। तो उसको फिनिश करते ही देखना क्या सीन होता है। तो इस वाले बॉट को फिनिश करने के बाद ना अच्छा खासा यहाँ पे 4 किल हो गया था। अब जो बंदा मतलब जिसको मैंने फिनिश करने के लिए आ गया था ना उस बंदे का फुटप्रिंट आ रहा था, तो यहाँ पे मैं फटाफट क्या करता हूँ क्योंकि पीछे आता हूँ, क्योंकि इधर से पूरा ओपन एरिया था, बंदा मेरे को ईजी फिनिश कर सकता था। और यहाँ पे आते ही ना मैं एक प्यारा सा नेड कुक करता हूँ और उसके बाद जो ही सीन होता है ना देखो यहाँ पे। और वो बंदा भी मेरे पे नेड करता है, नेड करने के बाद ना सीधा घुस जाता है और मैं भी यहाँ पे भाई को इजी फिनिश कर देते। और अच्छा खासा यहाँ पे 5 किल हो गया था, मतलब जितना मेरा किल का टारगेट रहता है ना इवेंट पे फिनिश हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है ना इवेंट जो था ना बैक टू बैक यहाँ पे बन रहा था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना आराम से यहाँ पे सर्वाइव कर रहा था। क्योंकि मेरे को भाई पता था बंदा यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि ये वाला जो इवेंट था ना वो जोन के अंदर ही था। अब देखो थोड़ा सा बात कर लेते कि मेन टॉपिक के बारे में, जो आपको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है कि हर मैच में क्या टॉप 10 सर्वाइव कर सकते हो। देखो इसका आंसर मैं बोल सकता हूँ भाई 80% टाइप मतलब टाइम जो है ना जो टॉप 10 कर सकते हो, पर 20-25% या 30% टाइम आप नहीं कर सकते, कुछ भी दिक्कत हो सकता है या 50-50 भी चांस रहता है। पर हम लोगों को क्या करना है कि कोशिश करना है हमेशा, जो कोशिश करना है कि हमेशा भी टॉप 10 सर्वाइव कर ही लूँ, जिससे भाई प्लस मिलने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है, कॉन्करर जल्दी हो सकता है। और किस किस का कॉन्करर अभी तक नहीं हुआ, कौन कौन बंदे पुश कर रहे हैं, कितना रैंक और टायर पे हो, तो एक बार जरूर कमेंट कर देना। तो फिलहाल देखो इस आईडी का तो मैंने यहाँ पे टॉप 500 के अंदर रैंक लगा दिया है। किसी को भी पेड पुश वगैरह करवाना है मेरे से तो इंस्टा पे आके DM कर सकते हो। अब यहाँ पे सीन देखो कि ऊपर साइड से जो बंदे का फाउल जो है ना फायरिंग का साउंड आ रहा था, तो इस बंदे को तो फिनिश कर दिया। और यहाँ पे जो ही बंदे ने डैमेज दिया था ना भाई, मेरे को लगा नहीं था मैं सर्वाइव कर लूँगा, पर यहाँ पे जैसे जैसे सर्वाइव करते आराम से भाई का पेटी वगैरह लूट के ना यहाँ पे चुपचाप मैं होल्ड कर ही रहा था। और उतने में यहाँ पे एक बंदा पता नहीं कहाँ से आ जाता अचानक से, मेरे को टाइम भी नहीं मिलता। तो अब देखो यहाँ पे इस बंदे के साथ कैसे मैं फाइट निकालता हूँ।
और यहाँ पे मैं क्या ही बोला, आप लोग खुद देख सकते हो, मैं शॉर्ट गन का दो दो गोली कनेक्ट किया पर बंदे ने एम के से मेरे को फिनिश कर दिया, क्या ही बोले। पर यहाँ पे मैं #10 सर्वाइव नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को बस 14 का प्लस मिलता है, पर यहाँ पे #10 वगैरह सर्वाइव करता तो 20-19 का प्लस मिल जाता है। अभी थोड़ा प्लस कम मिलना जो है ना कम हो चुका है, धीरे धीरे और कम होगा। जिस जो मतलब जो जो भाई अभी तक कॉन्कर कर रहे हो ना, तो भाई जल्दी जल्दी लगा लो, जितना टाइम लगेगा उतना प्लस कम मिलेगा, उतना थोड़ा सा मतलब हार्ड हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अब देखो भाई इस वाले आईडी का ना मैंने कितना रैंक छोड़ दिया है, तो अब मेरे को लगता है इस रैंक में ना मिल जाएगा 300, पता नहीं कि हम भूल गया था, देखो 365 रैंक पे छोड़ा है, तो शायद कॉन्करर मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। रात को थोड़ा सा चेक करेंगे, मेरे को लगता नहीं इतना प्लस बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो बस यही तक था, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल पे नया आया ना तो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।